फुल दबा रखा है मैंने, कहीं ना कहीं धीरे धीरे जा रही है, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जाती है एकदम। मैं तो प्यार से चलूंगी, तुमको जल्दी है तो अपने कोई और दे। हेलो सबको भाई, मैं हूँ आशीष शौकीन। अभी आपने देखा भाई, हम लोग खड़े हैं इंड्री गांव में। तो यहाँ पे भाई अरुण से अपना रिव्यू करवाने आए हैं। रिव्यू की वीडियो आपको मिलेगी अरुण भाई के चैनल पे, और साथ में रोहित है भाई, और ये अपनी जीप कंपस है जो हम लेके आए थे डिलीवरी से, और सामने चल रहे ट्रैक्टर, इनको जरा आगे करवा दूँ मैं। जगह नहीं दे रहे? नहीं दे तो दी यार, बढ़िया जगह दे दी, बढ़िया लोग हैं। और ये वो वाली पहाड़ी है जहाँ पे चढ़ के हम लोग अपना मौज मस्ती करते हैं कभी कभी, इंड्री वाली। तो आप चलते हैं अरुण के पास, और फिर अरुण से ड्राइव एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसा उसको लगा भाई 9 स्पीड ऑटोमेटिक चला के, क्योंकि नुवांकुर वाली जो है वो उसने बहुत बार चलाई हुई है, वो थी मैनुअल। अब इसमें देखते हैं कि ये देखो आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक कैसी लगती है चलाने के अंदर वो अरुण ही बताएगा। और अब सीधा बस पहुंचते हैं उसके पास, फिर उससे एक एक्सपीरियंस लेते हैं। तो अभी घूम रहे हैं इंड्री गांव की पहाड़ी पे, तो यहाँ पे एक बार ड्राइविंग एक्सपीरियंस जानते हैं, और फिर वो जो हाई स्पीड वाला है, नीचे वाला है, वो प्लेन रोड का बाद में देखेंगे। ये देख लो पहाड़ी पे घूम रहे हैं। तो अरुण भाई कैसा लग रहा है अभी तक? मस्त लग रहा है यार, एकदम कम्फर्ट है पूरा, ऑटोमेटिक है। पर मैं कह रहा हूँ कि 4x4 लगाओ तो वो क्यों नहीं लगा रहे? लेकिन अभी हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहाड़ी के टॉप पे आ चुके हैं, और ये देख लो भाई अपना 4x2 में ही आए, कोई भी एंगेज नहीं है, और ऑटो कर रखा है, कोई सैंड मड स्नो कुछ नहीं। और हम क्या आए हैं यार, सामने देखो वेंटो आ गई, साइड में थार आ गई, 4x4 की बात कर रहे हो, वेंटो आ गई, इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो चलो भाई, ये अभी यहाँ तक का रिव्यू है, मतलब पहाड़, मतलब कैसी लगी यहाँ तक चढ़ाने में? कंपास पहली बार आई है यहाँ कोई? नहीं नहीं, आ रखी है। आ रखी है, मतलब ये कैसी लगी अभी? ठीक है, पर मेरा तो देखो मैनुअल ऐसे लगा अभी तक, तो कि मैनुअल अच्छी है, मैनुअल अच्छी है। बाकी एक बार प्लेन पे चलाएंगे तो देखते हैं कि ऑटोमेटिक अच्छी है, क्योंकि मुद्दा ये है कि ऑटोमेटिक बहुत कम चलाई होगी तुमने शायद, ये पहली बार चला, पहली बार कंपास 9 स्पीड, हाँ 9 स्पीड रेडी। तो वही चीज है कि मेरे को बस यही जानना है कि मैनुअल अच्छी है या ऑटोमेटिक अभी अच्छी तक है। तो मैं मैनुअल के पक्ष में हूं। और प्लेन रोड पे जाएंगे तो तब देखेंगे भाई उसका। तो अभी तो पहले दूसरे गियर से आगे नहीं बढ़ी है, गांव-गांव में तो चला रहे हैं। हाँ, तो एक बार हाई स्पीड पे भी जाएंगे तब देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, अपना ये जो 9 स्पॉट ZF का आता है ऑटोमेटिक, तब देखेंगे। और थार भी आ गई है, वेंटो भी आ गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा फन करते हैं और उसके बाद नीचे चलेंगे, फिर दिखाऊंगा। अब यहाँ से जा रहे हैं नीचे। ब्रेकिंग वगैरह कैसी लगी अरुण भाई? जैसे देखेंगे यार, अभी तो करेंगे, नीचे जाएंगे, लेकिन जैसे थार में याद होगा, जब नई नई थार हम यहाँ लेके आए थे तो नीचे जा रहे थे तो ब्रेक लगाई थी तो लगी नहीं थी। इसमें वो एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, उससे तो मच बेटर है, चारों डिस्क है ना। हाँ, बेटर है उससे, बहुत बेटर है। थार के तो ब्रेक बहुत ही बेकार है। अच्छा, अब भाई ये देखो, पूरी ऐसी जगह आना है तो भाई अपनी जीप कंपास वगैरह गाड़ी हो तो अलग ही मजा है उसका। तो यहाँ पे खड़ी है भाई अरुण भाई की थार, और इसमें थोड़ा बहुत चेक कर रहे हैं। रोहित को बेसिकली चेक करना है कि कौन सी गाड़ी लेनी है नेक्स्ट, इसलिए चेक कर रहे हैं कि थार ले या XUV ले। और साथ में हमारे गौरव भाई क्या हाल है भाई? बढ़िया एकदम यार। मैंने देखा, हाँ? जैसे ये रैप कर रखा है मैट, हाँ? तो फिर एक बात बताओ मेरे को, हाँ? जैसे ये मैट रैप है, इसकी कॉस्टिंग और उसकी कॉस्टिंग अलग होती है क्या ग्लॉस की? कितना मैट महंगा है? मैट थोड़ा सा कॉस्टली है। और इस पे स्क्रैच नहीं पड़ते? देखो विजिबल नहीं होते, पढ़ते तो अभी लेके गए हम ऊपर पहाड़ी पे, लेकिन स्क्रैच दिख नहीं रहे कुछ खास, है ना। और भैया शॉप आपकी वही है जो नया वाला एड्रेस है? हाँ जी, हाँ जी। और मैंने सुना आजकल आप अपने, मतलब किसी होम सर्विस भी कुछ दे रहे हो या फिर सोचा है आगे कुछ? हाँ, होम सर्विस दे रहे हैं पूरे इंडिया में, होम सर्विस बिल्कुल, उसका थोड़ा सा एडिशनल चार्ज होगा। हाँ, अच्छा, जो खर्चा एक्स्ट्रा है वो आप पे कर सकते हो, हैदराबाद तक, मुंबई तक, पंजाब तक। तो आपकी शॉप पे आने की भी जरूरत नहीं है अगर बाय चांस किसी को होम पे करवाना है तो? ये सूटेबल एनवायरनमेंट दे दो, बस बस एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट दे दो, हाँ, जहाँ पे डस्ट ना हो। तो ये चीज़ अच्छी है भाई, जिसको अपना कराना है वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। और गौरव भाई ने भाई बहुत इतने रैप कर लिए मेरे साथ दोस्तों में, इतनी गाड़ियाँ रैप कर रखी, ये कर रखी, वो जीप कंपास खड़ी पीछे वो कर रखी, और संदीप की सेल टॉस कर रखी, दुनिया भर की कर रखी है भाई। तो फिर ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मेरे को, और होम सर्विस मिल रही है तो इससे तो बढ़िया अच्छा कुछ है भी नहीं। अब हाँ, जैसी इच्छा हो। तो फिर क्या खर्चा एक्स्ट्रा है उसका एक्सपेक्टेड, अगर दिल्ली में जाना हो? चलो दिल्ली में जाना है, कोई खर्चा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। एसेसरीज भी चालू कर रहे हो अब? हाँ जी। क्या क्या है एसेसरीज में? एक्सेसरीज में कंप्लीट साउंड सिस्टम,
अच्छा। आपका डैम्पिंग से लेके एम्बिएंट लाइटिंग, साउंड सिस्टम अलग अलग तरीके के। ओके। थार की पूरी एक्सेसरी, ग्रिल्स वगैरह, हेडलाइट वगैरह सब कुछ। तो मतलब अब एक ही शॉप, मतलब एक ही छत के नीचे आपको सारी काम मिल जाएगा, एक ही छत के नीचे। तो हम लोग आ चुके हैं उसी रोड पे जहाँ पे महिंद्रा की पहली टेस्ट ड्राइव ली गई थी, वही है ना ये रोड? वही है भाई, वही है। हाँ। तब ये टूटा हुआ था, बन गया। अब तो एकदम बढ़िया नया बन चुका है, उस टाइम पे बन रहा था ये। तो 9 करोड़ का ठेका छूटा है इसका। कितने का? 9 करोड़। तो आपने ना लिया ये है? आपने ना लिया ये ठेका? ना ना, अरे वो रोड कंस्ट्रक्टर ने लिया है, पर करा क्या, ऐसे ही उछाल के पुराना वाला नया तार को डाल दिया। अच्छा, और मैं दिखा देता हूँ, अभी डी में लगा दिया है अरुण भाई ने, और अब देखते हैं कि 9 स्पीड ऑटोमेटिक कैसा लगता है। फर्स्ट टाइम है भाई? फर्स्ट टाइम है भाई। चलो चलाऊं? चलाओ भाई चलाओ। स्लो लगेगा जो मेरे को अंदाजा है। अरे एसी इतना कम कैसे हो गया? मेरे को जो लगता है स्लो लगेगा तुम्हें। अच्छा देखते हैं, चलो। हाँ यार स्लो है, है ना स्लो भाई। ऐसे लग रहा है मैनुअल होती तो मैं तो गियर चेंज कर दूं। हाँ, पर इसमें एक तो स्पोर्ट्स मोड भी नहीं आता, पेडल शिफ्टर भी नहीं आता। हाँ यार, कुछ भी नहीं है इन दोनों में से, कुछ भी नहीं है। तो आपके हाथ में तो कोई कंट्रोल ही ना दिख रहा, कुछ भी नहीं है। रियल टाइम कुछ स्पोर्ट्स मोड भी नहीं है, नहीं है। चलो मैनुअल में चला लेंगे, कोई नहीं। अब ये छठे गियर पे है। हाँ, साते पे 9 गियर आते हैं भाई, बताओ इसके अंदर। मैनुअल में 6 डाउन अपने आप नहीं मारती क्या ये? डाउन एकदम एंड में आके मारेगी। अब मेरा मेरे हाथ में कंट्रोल ही रहा ना, क्या शोर मचाती है ये। ना यार मैनुअल में तो मजा आता है। यहाँ पे हमने वो 60-70 मांगकर भाई बोलते हैं, अरे अरुण झुला, थोड़ा मजा सा नहीं आ रहा, जीप कंपस की तरह। मैंने थोड़ा ऐसे ऐसे कर दिया भाई, वो 2 टायर से होता वो तो याद है मेरे को। और अगला ही दिन था वो डिलीवरी के, जस्ट नेक्स्ट डे वाला दिन था वो। उसी दिन हो जाता सुबह सुबह। हाँ, और इसमें अभी 80 की स्पीड होगी, जो अभी कट मारे थे कुछ भी ना हुआ। 110 थी। हाँ। कुछ भी नहीं हुआ उसमें, बस स्लो है यार, थार से भी स्लो है। तो मैंने तो यार इसको खूब ट्राई किया था, पर ये भागती नहीं अच्छी। ठीक है यार, गाड़ी जीप के बारे में कुछ नहीं सोच सकते, बट ऑटोमेटिक अच्छी है या मैनुअल अच्छी है ये बताओ। मैनुअल है ये यार। मैनुअल अच्छी है तो थार ऑटोमेटिक क्यों नहीं? सस्पेंशन तो मस्त है इसके। हैं सस्पेंशन? अरे थार भाई ऑटोमेटिक में ही बढ़िया है। अच्छा, थार जैसी गाड़ी में ना वो मैनुअल वो इतना लंबा सा तो गियर ना, महिंद्रा गाड़ी में वो उसमें मजा नहीं आता भाई। हाँ। मैनुअल में खैर देखो एक और चीज है, मजा तो भाई कंपास के उसमें भी नहीं है, मैनुअल के गियर नॉब में। हाँ। यार गोल गोल सा बहुत बुरा सा लगता है, वैसे हिलता भी है। ऑटोमेटिक सही है, पर भाई ऑटोमेटिक गियर नॉब हुंडई जैसे नहीं है किसी के भी भाई। ओडी जैसे आते हैं भाई 17-18 लाख रुपए की गाड़ी, इसमें देखने से थोड़ा सा ठीक है पर इतना कोई खास नहीं है। राइड क्वालिटी कैसी है और ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसे है भाई, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ फर्क लगता है 4x4 और 4x2 चलाने में? नथिंग एट ऑल। पता भाई सबसे बेस्ट चीज की ऑटोमेटिक की शोर नहीं मचाती बेफालतू का। हाँ, आवाज कम है। 9 गियर है, जैसे ही शोर मचाने जाती बदल देता है, बिल्कुल भी गियर नहीं, मतलब आवाज नहीं मचाता ये, शोर नहीं मचाता। वरना फॉर्च्यूनर हो या कोई भी हो ऐसे करती हैं। पर देखो कि वो अपना कंफर्टेबल राइड से ना टेंशन फ्री, तो फिर सही है यार। जीप वो अपना ऑटोमेटिक लेके छुट्टी, देखो कितनी बड़ी सी स्क्रीन आती है इसके अंदर, 8.2 की माइलेज दे रही है बताओ। एवरेज तो बहुत बेकार है यार, पर ठीक है यार, गाड़ी जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से एवरेज भी मिलेगी। जो बंदा यार इतनी महंगी गाड़ी चला रहा है वो नहीं सोचता भाई ये फ्यूल व्यूल की ऐसा हो तो अगली गाड़ी यही लेगा भाई, आप दे ही नहीं रहे पैसे। अरे भाई यार, तो अरुण भाई मिलके लेंगे, मिलके लेते हैं, कोई दूसरी लेंगे फिर। ठीक है, एक महीने आप चलाइयो, एक महीने मैं चलाऊंगा, दिक्कत नहीं। याद आता इंश्योरेंस? हाँ, आता है इंश्योरेंस, साथ आता सब कुछ तो ठीक है, बढ़िया स्कीम है ये भी चालू करनी पड़ेगी। और अभी देखो थोड़े से ये खराब सी रोड तो क्या है, ये तो नॉर्मल है। अब तो यार पूरी रोड बन गई यहाँ पे, कहीं पे भी देख लो आप। पैसे वाली फरम है, हमारी की बात नहीं है यार। इसके सस्पेंशन बिल्कुल आवाज नहीं करते भाई, जैसे अभी देख कैसे निकल के आए हैं बिल्कुल। हाँ, एक्सयूवी होती तो आवाज करते अच्छा ठीक है, चल एक क्वेश्चन और। एक्सयूवी 700 या जीप कंपस? जीप, पर ये वेरिएंट नहीं। हाँ, नाइट ईगल।
अच्छा लेटेस्ट वाला बिल्कुल। और मैं अगर लूंगा ना एटीगल, मैं क्या करवाऊंगा वो ग्रिल क्रोम वाली लगवा लूंगा। हाँ वो तो लग जाती है बाहर से भाई, मेरे को तो वो मतलब ग्रिल क्रोम वाली और बाकी जेड ब्लैक, बाकी जेड ब्लैक क्या गदर कॉम्बिनेशन है भाई, मजा आ जाता है। देखना स्क्रीन, देखना कॉन्सेप्ट जैसी लगती है, कॉन्सेप्ट कार में बैठे हो किसी में। बिल्कुल देखना कितना एकदम रिस्पॉन्स, देखो एकदम लैपटॉप आईपैड चला रहे हो, वरना गाड़ियों का ऐसा लेग लेग सा करता है। देखना भाई कितना, सबसे खास बात जीप कितनी अच्छी कंपनी है, बेस मॉडल में भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आती है, स्पोर्ट्स में आती है, कितना अच्छी कंपनी। ये रही अपनी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, दुनिया में मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, फिर भी लोग नहीं लेते यार। अरे लेते हैं रोहित भाई जैसे लोग, पर कम ही ले, कम ही है ना वो संख्या, कम है जैसे, कम है ना रोहित भाई जैसे लोग कम कम लड़के कर रहे हैं। नहीं अभी धीरे धीरे बिक्री है, इन्होंने भी मेरिडियन भी निकाल लिया भाई, मेरिडियन का नाश कर दिया, इतनी महंगी, इतनी महंगी, मतलब इंजन तो यार कुछ बढ़िया दे देते, वही इंजन है सेम टू सेम, वही इंजन, इतनी बड़ी सी गाड़ी करती वो, बेकार है सिस्टम मेरिडियन। पता नहीं इन्होंने कौन से सेगमेंट में डालने की कोशिश करी है उसको। हम ये सोच रहे थे मेरिडियन इससे 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए महंगी आएगी बस, पर 10 लाख का फर्क आ गया। हाँ यार बहुत महंगी कर दी, इंटीरियर विंटीरियर सब सेम ही है, दो सीट है वो भी चाइल्ड सीट है, उनमें भी कोई बड़ा नहीं बैठ सकता, प्लस 20 की सीट में भी बहुत कम सा स्पेस लगता है उसके अंदर। इतने प्यारे लोग, ये देखो बढ़िया बढ़िया रोड है यहाँ भाई, ऑफ रोडिंग की तो मेरे को ऐसे बहुत अच्छी अच्छी जगह दिख रही है। ऑफ रोडिंग भाई में जिगरा थोड़ा कम है, रोहित भाई है भाई, रोहित भाई बताओ ऑफ रोडिंग, ऑफ रोडिंग लेके जाएंगे इसको। जाएंगे आएगा टाइम, कुछ दिनों बाद चलेंगे भाई। इसकी हैंडलिंग ना क्या जबरदस्त है यार, स्पीड देखो यार 86-90 की है भाई, इतनी देर में ना मैनुअल होती ना 150 चढ़ जाती है, बिल्कुल चढ़ जाती है। ये देखो कितनी स्लो है, देखो पंजा फुल दबा रखा है मैंने, देखना कितनी धीरे धीरे जा रही है, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जाती है एकदम। मैं तो प्यार से चलूंगी, तुमको जल्दी है तो अपने कोई और देख लो, दूसरी गाड़ी ले ले। तो अरुण भाई बताओ, मतलब मजा आ गया ये गाड़ी में? बिल्कुल भाई एकदम फुल ऑन, फुल ऑन। और अभी इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग पूरी बढ़िया तरीके से करी है हमने, मतलब बिल्कुल भाई है ना, वो आपके चैनल पे आएगी, लेकिन मतलब वो ऐसी चीजें थी जो मेरे को भी नहीं पता थी कुछ, तो वो देख लेना भाई, बहुत मजेदार था। तो चला के दिखा दें क्या, अलाउ करेंगे क्या 4x4 में भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भाई अलाउ नहीं कर पाएंगे अभी, थोड़ा सा लगेगा टाइम। कितना टाइम? तो तब भी अलाउ नहीं कर पाएगा, अभी नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम, थोड़ा टाइम हो जाए उसके बाद 4x4 भी ट्राई करेंगे, कुछ 1000 किलोमीटर चला जाता है उसके बाद ट्राई करेंगे 4x4। अभी तो नई गाड़ी है, थोड़ा सा पुराना हो जाएगा तो चोट लगते हुए ज्यादा दर्द नहीं होगा। अच्छा वैसे नहीं लगेगी, काफी केपेबल गाड़ी है। हाँ 4x4 कहीं भी ले जाओ, कुछ भी करो उसके साथ, कोई ये बल्कि कह रही है कि मेरे को जिस चीज के लिए लिया है वो यूज करो, आप जो पर्पस लिया जिस पर्पस से आपने परचेज करी है वो यूज तो करो। तो अभी 2 महीने है इस गाड़ी को लिए हुए, फिर अभी इसको आगे से अच्छे से और थोड़े दिन बाद ट्राई करेंगे उसे, और इंड्री में ही आएंगे ट्राई करने, यहाँ पे बढ़िया लोकेशन है, यहाँ कहीं ना कहीं बढ़िया जगह मिलेगी करने के लिए। तो अरुण भाई की हो सकता है ये नेक्स्ट कार भी हो, और ब्लैक ही कलर होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो नहीं नहीं वाइट। तो यही थी भाई आज की कुछ वीडियो, देखने के दिल से थैंक यू, जय हिंद जय श्री राम।